नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटेटिव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक बहुत अच्छी न्यूज आ रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि वैकेंसीज इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहुत बंपर आने वाली हैं। जैसे कि आरओ की 200 से 300 पोस्ट, एपीएस की 100 पोस्ट, इसके साथ ही ड्राइवर, अर्दली, ऑफिस प्योन, ग्रुप डी की जो पोस्टेस हैं और ग्रुप सी की कंप्यूटर असिस्टेंट की, इन सारी पोस्टों में बहुत सारी बंपर वैकेंसीज आने वाली हैं। लेकिन इसका आधार क्या है कि आखिर ये वैकेंसीज आएंगी क्यों? अभी तक तो ऐसा नहीं हो रहा था, तो इसका आधार मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप न्यूज़ देखेंगे, हाईकोर्ट में अब 120 जज होंगे स्थायी। तो हम पहले ये न्यूज़ पूरा पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसको समझते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थायी न्यायमूर्तियों की संख्या बढ़ा दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा इस आशय का आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश के मुताबिक हाईकोर्ट में स्थायी न्यायमूर्तियों के पद 76 से बढ़ाकर 120 कर दिए जाने की स्वीकृति दी गई है। इसका अर्थ है कि हाईकोर्ट में अब कुल स्वीकृत 160 पदों में से 120 जज स्थायी होंगे और 40 अतिरिक्त न्यायाधीशों के पद रहेंगे। अभी तक यह संख्या 76 स्थायी व 84 अतिरिक्त न्यायाधीशों की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने 20 मई 2020 को केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री से स्थायी न्यायाधीशों की पद संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया था, जिस पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 28 सितंबर 2020 को मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र में मांग को स्वीकार किए जाने की सूचना दी है। रविशंकर प्रसाद ने अपने पत्र में लिखा है कि वर्ष 2014 में कुल पद 160 से बढ़ाकर 200 करने तथा जजों की संख्या 75-25 स्थायी अतिरिक्त, मतलब 75 जज अगर स्थायी हैं तो 25 अतिरिक्त जज रहेंगे, के अनुपात में करने पर पुनर्विचार किया गया था। मगर उस समय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने की बात कही गई, जिसकी वजह से इसे अमल में नहीं लाया जा सका था। अब मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर के पत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से जजों के 75-25 के अनुपात को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। अब हम ये देखते हैं कि वर्तमान में कितने जज हैं कार्यरत यहाँ पे, तो वर्तमान में 100 जज कार्यरत हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्वीकृत 160 न्यायाधीशों में से वर्तमान में 100 न्यायाधीश कार्यरत हैं। इनमें से दिसंबर 2020 तक 4 न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अब भी 60 पद रिक्त हैं। यदि सभी को स्थायी कर दिया जाए तो भी 20 स्थायी और 40 अतिरिक्त न्यायाधीशों के पद खाली रहेंगे। हालांकि मुख्य न्यायाधीश की कोलेजियम ने 31 अधिवक्ताओं की न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति की संस्तुति की है, इस पर अभी निर्णय नहीं हुआ है। इसके अलावा जिला जज रैंक के 11 न्यायिक अधिकारियों की भी संस्तुति की गई है। तो दोस्तों, ये तो हो गई जजों की बात कि ये न्यायाधीश 120 जज स्थायी हो जाएंगे, 40 अतिरिक्त रहेंगे, तो इससे कर्मचारियों को क्या फायदा होगा, कैसे वैकेंसीज निकलेंगी, इस पर हम बात करते हैं। तो देखिए, जैसे 120 जज स्थायी हो जाएंगे, अभी वर्तमान में हम बात करें तो 100 न्यायाधीश कार्यरत हैं, जिसमें से इसके अलावा एक मुख्य न्यायाधीश, मतलब 101 न्यायाधीश माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में कार्यरत हैं। तो इनके साथ में सिर्फ न्यायाधीशों के रहने से तो काम चलता नहीं है, उसके साथ में सपोर्टिंग स्टाफ होना चाहिए। जैसे 100 न्यायाधीश हैं तो प्रत्येक न्यायाधीश के साथ में 5 एपीएस और पीएस रहते हैं, मतलब एपीएस और पीएस को मिलाकर 5 रहते हैं, जिसको आप स्टेनो समझ सकते हैं, लेकिन वो काफी बड़ा पद होता है। एपीएस 4800 ग्रेड पे होता है और पीएस जो होते हैं वो 5400 ग्रेड पे के होते हैं, पद होते हैं। तो एक न्यायाधीश के साथ में कम से कम एक पीएस और उसके साथ में 4 एपीएस रहते हैं, तो 5 पद तो यही हो गए। प्लस न्यायाधीश के साथ में जैसे ड्राइवर हो गए, अर्दली हो गए, ऑफिस प्यून हो गए, और एक न्यायाधीश के साथ में कम से कम 9 से 10 आरओ रहते हैं। तो आप ये अपना गुणा गणित लगा लीजिए कि अभी 100 पद हैं और ये पद बढ़कर के 160 होने हैं, मतलब 160 लगभग 60 पद की संख्या बढ़नी है। 20 तो स्थायी पद बढ़ जाएंगे, अभी जैसे 75 या 76 के स्थायी पद हैं और 25 के आसपास अतिरिक्त पद हैं न्यायाधीशों के, तो अब ये संख्या हो जाएगी 60, मतलब 160 हो जाएगी, मतलब 60 न्यायाधीशों की और नियुक्तियां होंगी। ऐसा नहीं है कि नियुक्तियां बस तुरंत हो जाएंगी और इसके साथ में वैकेंसीज भी तुरंत आ जाएंगी, ऐसा नहीं है। लगभग ये 4 से 5 साल का प्रोसीजर है, वैकेंसीज लगातार आती रहेंगी थोड़ी थोड़ी मात्रा में। जैसे अभी इस बार आरओ एआरओ की 200 से 300 पोस्ट आनी है, लगभग इसके चांसेस बन गए हैं। और ये आनी कब है, इसका नोटिफिकेशन संभावित ये है कि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा जैसे अभी चल रहा है, कोई बड़ी आपदा या विपदा नहीं आई, तो ये दिसंबर से जनवरी के बीच में ये वैकेंसीज आ जाएंगी। तो चूंकि अभी आरओ का टाइपिंग टेस्ट होना है, तो हो सकता है कि नोटिफिकेशन के साथ में ही टाइपिंग टेस्ट हो जाए, जो कंप्यूटर असिस्टेंट और आरओ का टाइपिंग टेस्ट होना है, या फिर
इसके पहले हो जाए, नोटिफिकेशन के पहले ही हो जाए। कुल मिलाकर के उनके लिए ये सूचना ये है कि उनकी ज्वाइनिंग इस आरओ की एग्जाम के पहले या इसके एग्जाम के साथ में ही होने के चांसेस हैं। और आरओ की ये जो वैकेंसीज आ रही हैं 200-300 जिसको मैं बात कर रहा हूँ, तो ये भी लगभग दिसंबर से जनवरी के बीच में अगर नोटिफिकेशन आएगा तो मान लीजिए विद इन मंथ इसका एग्जाम हो जाएगा। अगर जनवरी में आ रहा है तो फरवरी से मार्च के बीच में इसका एग्जाम हो जाएगा, और अगर दिसंबर में नोटिफिकेशन आ रहा है तो आप मान चलिए जनवरी से फरवरी के बीच में इसका एग्जाम हो जाएगा, और मई से जून के बीच में इसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ऐसे ही APS के पद आने हैं, APS के भी 100 पोस्ट के आसपास आएंगी इस बार लगभग। वैसे अगर 60 पदों का देखा जाए तो 60 × 5 = 300 के पद बनते हैं, लेकिन अभी तुरंत में लगभग 100 पोस्ट या हो सकता है इससे थोड़ा बहुत कम 80 के आसपास आ जाएंगे। और इसी तरह ड्राइवर, अर्दली और ऑफिस प्यून और कंप्यूटर असिस्टेंट्स के भी पद बढ़ेंगे, तो वो भी निश्चित तौर पर उसकी भी वैकेंसी आएगी। तो जिन लोगों ने अपनी तैयारी धीमी कर दी थी उनके लिए न्यूज़ है कि आप तुरंत से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और मान चलिए कि आपको 2-3 महीनों के बीच में अगर आप हाई कोर्ट जाना चाहते हैं, खासकर इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना चाहते हैं, तो 2-3 महीनों के बीच में आपको 2-3 पेपर का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। भी शुरुआत इसकी आरओ से होने हैं, लेकिन इसके साथ में ही ड्राइवर, अर्दली और ऑफिस प्यून की भी वैकेंसीज आएंगी। और जो बच्चे APS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी न्यूज़ है कि उनकी भी लगभग 100 पोस्ट के आसपास वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग जुड़ जाइए, कोई भी कोर कसर ना छोड़िए इस बार। अगर पहले चूक गए हैं तो इस बार बिल्कुल ना चूकिए और इसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और जिन लोगों को ये न्यूज़ गलत लगती है, झूठ लगती है या व्यूज़ पाने के मकसद से बनाया गया वीडियो लगता है, तो वो ये वीडियो ना देखें और इसको तुरंत से झूठ माने, जो भी करना हो कर लें। लेकिन जिनको मेरे ऊपर थोड़ा बहुत भी ट्रस्ट है वो अपनी तैयारी में जुट जाएं, और मैं गारंटी करता हूं कि वैकेंसीज आनी ही आनी है। वीडियो आपका पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए और दोस्तों के साथ अपने इसको शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे आपको इस चैनल की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।